सोशल मीडिया पर इस वक्त अगर वोटिंग के हिसाब से फैंडम्स डिवाइड किए जाएं तो सबसे बड़े तीन फैंडम्स जो है वो है प्रियांकित का फैंडम, एमसी स्क्वायर का, एमसी स्टैन का फैंडम और सुंबुल का फैंडम। अब इन तीनों में से दो लोग नॉमिनेशंस में हैं, एमसी स्टैन एंड सुंबुल। चलिए आपको बताते हैं कि फैंडम के हिसाब से और स्टारडम के हिसाब से इस वक्त सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन है और किसकी स्टारडम, किसका फैंडम सबसे बड़ा है। वेल हेलो गाइज एंड वेलकम टू फीफा फूज, मैं हूँ ज्योति नाहक। रिजल्ट जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले तो कौन कौन नॉमिनेटेड है, टीना दत्ता, निमृत, एमसी स्टैन और सुंबुल। अब इन चार लोगों में वो दो लोग जो घर में सबसे ज्यादा जिनका इन्वॉल्वमेंट है वो है टीना और निमृत, लेकिन वो दो लोग जिनका बाहर सबसे ज्यादा फैंडम है और वोट सबसे ज्यादा आ रहे हैं बिना इन्वॉल्वमेंट के, सुंबुल एंड स्टैन। सो टीना निमृत सुंबुल स्टैन दो लोग इन्वॉल्वमेंट घर में है लेकिन फैंडम बाहर उतनी बड़ी नहीं दिख रही। दो लोगों का इन्वॉल्वमेंट घर में नहीं है लेकिन फैंडम बाहर उतनी बड़ी दिख रही है। तो दोनों ही केसेस में बिग बॉस के मेकर्स को नुकसान है, क्योंकि अगर ये दो रह जाते हैं और ये दो निकल जाते हैं तो मैसिव कंटेंट निकल जाएगा, और ये दो अगर निकल जाते हैं तो व्यूअरशिप निकल जाएगी। तो दोनों ही केसेस में बिग बॉस की हार तो तय है। लेकिन हाँ, बिग बॉस ने एक अलग तरीका खैर निकाल लिया है जो मैंने आपको बताया है सीक्रेट रूम के बारे में, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। बट फिलहाल के लिए चलिए बात करते हैं इन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन छिड़ा हुआ है। जी हाँ, सुंबल वर्सेस स्टैन की फैंडम आखिर कौन सबसे बड़ा है। देखिए, एमसी स्टैन और सुंबल की एज तकरीबन आसपास है। एमसी स्टैन अपने अर्ली 20s में है, सुंबल अपने भी अभी 20s एंटर करेंगी, 19 की हैं अभी। सो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में एक तरफ एक रैपर एक एक्ट्रेस, और दोनों ने इंडस्ट्री में कम उम्र में बहुत ज़्यादा नाम कमा लिया है। तो ऐसे में एमसी स्टैन को अगर आप वोट करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा लाइक और सुंबुल के लिए रीट्वीट। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा नहीं लेकिन हाँ, 500 वोट्स का डिफरेंस है। सुंबल को मिले हैं तकरीबन 600 वोट्स और एमसी स्टैन को मिले हैं 1020 वोट्स। देख सकते हैं आप कि हार्डली 450 वोट्स का फर्क है। वोट्स का फर्क ज्यादा नहीं है लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं फैंडम भी उसमें भी ज्यादा बड़ा गैप मुझे नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों की फैंडम ऑलमोस्ट, आई रिपीट, ऑलमोस्ट इक्वली आसपास नजर आती है। ऐसा लगता है कि दोनों की फैंडम्स ऑलमोस्ट बराबर हैं, क्योंकि वोट्स तो दोनों को भर भर के आते हैं। जब भी ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड्स में चेक करती हूँ, कभी भी अगर ये दोनों नॉमिनेटेड हैं तो ये दोनों टॉप टू पर होते हैं हमेशा। फिर धीरे 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 प्रियंका ऊपर आती है, लेकिन स्टार्टिंग में सुंबुल या एमसी स्टैन, सुंबुल या एमसी स्टैन, यही दो लीड कर रहे होते हैं। आप इस चीज़ पर क्या कहना चाहेंगे बताइएगा जरूर।